हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम कैंडी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपांशन फॉर्मूलाज के बारे में एक्सपांशन थर्ड एक्सपांशन ऑफ ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ए प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन सेम वैसे ही ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन हम आज करेंगे तो हमें मालूम है कि क्यूब क्या होता है ए रेस टू थ्री मीन्स ए का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ए इंटू ए इंटू ए वैसे ही ए माइनस बी को हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और एक फार्मूला जनरेट करेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी अब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर हो टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर होता है तो उसका एक्सपांशन हमें मालूम है तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे तो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का हमें एक्सपांशन मालूम है इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पे लिया है तो ए माइनस बी का ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र अब a- माइनस बी से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट क्या करेंगे a से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस बी से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सो ए इंटू ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब होता है ए इंटू माइनस टू ए बी मीन्स ए टू टाइम्स है तो ए का स्क्वायर होगा और रिमेनिंग टर्म वैसे ही रहेगी माइनस टू ए स्क्वा बी प्लस यहाँ प्लस है यह यहाँ तो a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी से अब हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है सो माइनस माइनस प्लस होता है माइनस बी माइनस टू ए बी बी का स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस टू ए बी स्क्वेर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है तो बी इंटू बी बी क्यूब होगा अब इसमें ये दो टर्म्स माइनस टू ए स्क्वा बी और यहाँ पे भी ए स्क्वा बी है तो माइनस माइनस प्लस होगा माइनस टू माइनस वन तो माइनस थ्री होगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सिमिलरली ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर तो ए भी क्या होगा थ्री ए बी स्क्वायर होगा और ए क्यूब वैसे ही रहेगा और माइनस बी क्यूब वैसे ही नीचाएगा तो ऐसा हमने फार्मूलेट एक्सपेंशन जनरेट कर दिया है तो ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वा प्लस थ्री ए बी स्क्वाइनस बी क्यूब ये एक्सपांशन हमें मिला तो एग्जांपल्स देखते हैं एक्सपांड एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्यूब यहाँ पे हमें x माइनस टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक्सपांशन देखा है उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे वही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सो so, हमें मालूम है फार्मूला क्या है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब फार्मूला ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वा बी प्लस थ्री ए बी स्क्वा माइनस बी क्यूब सो ए माइनस बी यहाँ पे ए हमारा क्या है एक्स है और मीन्स इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे उसे हमें वो तो ए और बी की वैल्यू पता चलेगी तो ए हमारा क्या है एक्स है और बी हमारा क्या है टू है सो so, इस फॉर्मूले में हम ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे ए क्या है एक्स है तो एक्स क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वा मीन्स एक्स स्क्वायेर बी क्या है टू है टू प्लस थ्री ए क्या है एक्स और बी टू टू का स्क्वायर माइनस बी क्यूब बी क्या है टू है तो टू का क्यूब तो एक्स क्यूब वैसे ही थ्री इंटू टू सिक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू स्क्वायर टू स्क्वायर फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब एट सो हमें x माइनस टू ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन मिला एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एट नेक्स्ट एक्सपांशन हमें करना है फोर पी माइनस फाइव क्यूब क्यूब ब्रैकेट क्यूब इसका तो so सिमिलरली हमने देखा था पिछले एग्जांपल में वैसे ही सेम यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए है फोर पी और बी है फाइव क्यू तो हमने वैल्यूज पुट की है ए क्यूब की जगह ए हमारा फोर पी है तो फोर पी क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर पी फोर पी ब्रैकेट स्क्वेर इंटू फाइव क्यू प्लस थ्री इंटू फोर पी इंटू फाइव क्यूब ब्रैकेट स्क्वेर माइनस बी क्यूब मीन्स फाइव क्यू क्यूब तो फोर पी क्यूब फोर का क्यूब हमें मालूम है तो वो लिखेंगे सिक्सटी फोर और पी का क्यूब पी क्यूब सिक्सटी फोर पी क्यूब माइनस फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो फोर स्क्वेर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू फाइव इंटू थ्री तो टू फोर्टी टू फोर्टी होता है इंटू पी स्क्र इंटू क्यूब फाइव स्क्वेर ट्वेंटी फाइव इंटू फोर इंटू थ्री तो थ्री हंड्रेड पी इंटू क्यू स्क्र माइनस फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव क्यू क्यूब तो फोर पी माइनस फाइव क्यू क्यूब का एक्सपांशन हमें मिला है सिक्सटी फोर पी क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर नहीं टू हंड्रेड फोर्टीन पी स्क्र क्यूब प्लस थ्री हंड्रेड पी क्यू स्क्वेयर माइनस वन ट्वेंटी फाइव क्यू क्यूब एग्जाम्पल थर्ड फाइंड क्यूब ऑफ नाइन्टी नाइन यूजिंग द एक्सपांशन फार्मूलाज हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लीकेशन करके नाइन्टी नाइन का क्यूब निकाल सकते हैं पर हमें एक्सपांशन फार्मूला के हेल्प से निकालना है तो नाइन्टी नाइन क्यूब को हम कैसे लिखेंगे ए और बी के टर्म में हमें लिखना है तो ये हंड्रेड के नियर अबाउट है तो इसे हम हंड्रेड माइनस वन मीन्स नाइन्टी नाइन होता है तो हंड्रेड माइनस वन क्यूब लिखेंगे तो इसमें हमारा ए क्या है हंड्रेड है और बी क्या है वन है तो ए क्यूब मीन्स हंड्रेड क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर क्या है हंड्रेड स्क्वायर इंटू बी मीन्स वन प्लस थ्री इंटू हंड्रेड इंटू बी का स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायेर और माइनस बी क्यूब मीन्स वन क्यूब तो हंड्रेड क्यूब हमें इतना बड़ा नंबर मिला है माइनस हंड्रेड स्क्वायर इंटू थ्री इंटू वन और थ्री इंटू हंड्रेड थ्री हंड्रेड माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होता है तो टोटल हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पर नाइन लैक सेवेंटीन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये आंसर मिला है तो नाइन्टी नाइन का क्यूब ये होता है एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर सिंप्लीफाई पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्यूब प्लस पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्यूब अब इन दोनों का एक्सपांशन करना है मीन्स फर्स्ट हम इसको सॉल्व करना है मीन्स पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे प्लस पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्यूब का भी एक्सपेंशन करेंगे और जो टर्म्स कुछ कैंसिल होंगी कुछ ऐड होगी वो देखेंगे हमें क्या मिलता है सो so, p प्लस क्यू ब्रैकेट क्यूब का फर्स्ट एक्सपांशन करेंगे तो ये हमारा ए ए बी ए और ये हमारा बी तो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का यह फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पी क्यूब प्लस थ्री पी स्क्वेर क्यू प्लस थ्री पी क्यू स्क्वेर प्लस क्यू क्यू ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला हमें यूज़ करने पर एक्सपांशन मिलेगा पी प्लस क्यूब ब्रैकेट क्यूब का अब हम पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन देखेंगे क्या होगा पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वेर क्यूब प्लस थ्री पी क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू क्यूब तो इनमें अब हम सिमिलर टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पर पी क्यूब है पी क्यूब है तो दोनों में प्लस साइन है तो दोनों का क्या होगा एडिशन होगा तो टू पी क्यूब होगा यहाँ पे थ्री पी स्क्वायर क्यूब यहाँ पे भी है पर यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो होगा तो ये टर्म कैंसिल होगी नेक्स्ट टर्म है थ्री पी क्यू स्क्वेयर थ्री पी क्यू स्क्वेयर दोनों में प्लस साइन है तो प्लस 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 होता है तो थ्री प्लस थ्री सिक्स होगा सिक्स पी क्यू स्क्र और ये जो क्यू क्यूब है यहाँ पे भी क्यू क्यूब है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है प्लस माइनस एडिशन में माइनस होता है तो ये क्या होगी कैंसिल होगी तो p प्लस क्यूब ब्रैकेट क्यूब प्लस पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन हमें मिला है टू पी क्यूब प्लस सिक्स पी क्यू स्क्वेर सेकेंड सेकेंड एग्ज़ाम्पल टू एक्स प्लस थ्री वाई क्यूब माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई क्यूब सिमिलरली एग्जाम्पल हमने जैसे देखा था वैसे ही इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो टू एक्स प्लस थ्री वाई ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन करेंगे टू एक्स हमारी ए ए टर्म होगी थ्री वाई हमारी बी टर्म होगी यहाँ पे भी टू एक्स हमारी ए टर्म होगी यहाँ पे भी ये थ्री वाई बी टर्म होगी तो यहाँ पे हम ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए क्यूब मीन्स टू एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू टू एक्स स्क्र मीन्स ए स्क्वा इंटू टू एक्स स्क्वा थ्री वाई प्लस थ्री इंटू टू एक्स इंटू थ्री वाई स्क्वा प्लस बी क्यूब मीन्स थ्री वाई क्यूब ये रहा टू एक्स प्लस थ्री वाई ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन माइनस अब हम ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन देखेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री वाई ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन टू एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू टू एक्स स्क्वेर इंटू थ्री वाई प्लस थ्री इंटू टू एक्स इंटू थ्री वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई क्यूब बी क्यूब लास्ट अब ये जो माइनस साइन है माइनस साइन इस ब्रैकेट को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन का तो ये जो इसे हम इसका टू एक्स क्यूब है तो टू का क्यूब हमें मालूम है तो एट एक्स क्यूब इंटू टू स्क्वायर फोर इंटू नाइन थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायेर वाई प्लस थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन इंटू सिक्स फिफ्टी फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब अब यहाँ पे भी इसे हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे एट एक्स क्यूब माइनस थर्टी सिक्स एक्स एक्सक्वाई स्क्वायर प्लस फिफ्टी फोर एक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवेन वाई क्यूब अब इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म वैसे ही आएगी और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस एट एक्स क्यूब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा थर्टी सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा माइनस फिफ्टी फोर एक्स वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होगा तो ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब अब यहाँ पे यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है तो एट एक्स क्यूब दोनों टर्म सेम है तो वो कैंसिल होगी बाकी फिफ्टी फोर भी कैंसिल होगा थर्टी सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स एक्स स्क् एक्स स्क्र वाई प्लस थर्टी सिक्स एक्स स्क्र वाई तो सेवेंटी टू थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स सेवेंटी टू एक्स स्क्र वाई हमें मिला प्लस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब तो ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन फिफ्टी फोर वाई क्यूब तो टू एक्स प्लस थ्री वाई ब्रैकेट क्यूब माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई ब्रैकेट क्यूब का एक्स हमें सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें क्या मिला है आंसर सेवेंटी टू एक्स स्क्र वाई प्लस फिफ्टी फोर वाई क्यूब नाउ आई नो हमने ये दो फॉर्मूलाज का यूज़ करके एक्सपांशन फार्मूलाज का यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व करे थे तो फार्मूला रिमेंबर लिखने के रखने के लिए दिए गए हैं तो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अब इन दोनों में भी थ्री कॉमन है ए कॉमन है और बी कॉमन है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी हमने कॉमन निकाला तो यहाँ ए एक्स्ट्रा है तो वो ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ पे बी एक्स्ट्रा है तो वो भी ब्रैकेट में रहेगा तो थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन ए हम ए भी यूज़ कर सकते हैं और ए भी यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वा बी प्लस थ्री ए बी स्क्वा माइनस बी क्यूब इन दोनों में भी थ्री ए बी कॉमन है तो यहाँ पे माइनस थ्री ए बी हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में A minus B ए माइनस बी रहेगा सिमिलरली ये दोनों फार्मूला सेम है सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज है इतना हमें याद रखना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव यूजफुल एंड एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए एग्जाम कैंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब